नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल army.in में। दोस्तों आज हम आपके लिए यहाँ पे भारतीय सेना की दो बहुत ही बड़ी खबर लेकर आ चुके हैं जो कि आपके लिए अच्छी नहीं होने वाली है। इसके बारे में आज हम आपको सारी जानकारी देंगे कि कौन सी वो दो खबर है जिससे आपको निराशा मिल सकती है। और उससे पहले दोस्तों हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि अगर आप इंडियन आर्मी के GDK या फिर ट्रीटमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वो हमारी बुक से कर सकते हैं। इस बुक के अंदर आपको मिलेगा 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन और साथ में यहाँ पे आपको मिलेगा पिछले साल के क्वेश्चन पेपर। अगर आप इस बुक का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। इसका PDF मात्र आपको 59 रुपीज में मिल जाएगा और इससे तैयारी आपकी संपूर्ण तरीके से हो पाएगी। अब आइए दोस्तों वीडियो शेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं इंडियन आर्मी की रैलीज आना स्टार्ट हो गई है, रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। पर इसी के बीच दोस्तों बहुत ही बुरी खबर आपके लिए आ रही है और ये दो बहुत ही बड़ी बुरी खबर है। यहाँ पे दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि सितंबर के महीने में जो रैलीज होने वाली थी उनको भी कैंसिल किया जा रहा है और उनको पोस्टपोन किया जा रहा है, यानी कि उनको आगे डेट बढ़ाई जा रही है। जैसे कि कोई रैली कराई जाएगी अब दिसंबर में या फिर किसी रैली को कराया जाएगा February 2021 में। तो यहाँ पे अब आप मान लीजिए कि हो सकता है सितंबर में कोई भी रैली अभी ना हो पाए इंडियन आर्मी के तरफ से। यहाँ पे आप पहली न्यूज़ देख पा रहे हैं जो कि कटिंग है न्यूज़पेपर की। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 से 25 सितंबर तक होने वाली सैन्य भर्ती स्थगित कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी इसको स्थगित कर दिया गया है और ये आगे डेट इसकी नहीं आएगी। आप यहाँ पे साफ साफ पढ़ सकते हैं कि 15 से 25 सितंबर तक भारतीय फौज में सिपाहियों की होने वाली भर्ती रैली COVID-19 के चलते कैंसिल कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इसको स्थगित अभी कर दिया गया है और ये पोस्टपोन आगे डेट में होगा। हो सकता है इस रैली को अब दिसंबर में कराया जाए। और आप देख सकते हैं ये जो न्यूज़ है ये फिरोजपुर की है, यानी कि पंजाब की जो रैली होने वाली थी उसको यहाँ पे अभी स्थगित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये भास्कर का न्यूज़ है, यानी कि दैनिक भास्कर का जो यहाँ पे न्यूज़पेपर आता है उसमें इस न्यूज़ को छापा गया था। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि सितंबर में जो पंजाब की रैली होने वाली थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे ये मान सकते हैं कि आपकी रैली को जो कि सितंबर में होने वाली थी उसको आगे और कोई भी राज्य का अगर रैली हो तो उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। इसी के संदर्भ में आप एक और न्यूज़ देख सकते हैं, ये इंडियन आर्मी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रैली थी जो कि जिसको होना था यहाँ पे पुलिस ग्राउंड धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, इसको भी यहां पे पोस्टपोन कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये जो रैली थी ये 18 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक होने वाली थी पुलिस प्लेग्राउंड धर्मशाला में, जिसको यहां पे कोरोना वायरस के चलते कैंसिल कर दिया गया है अभी। और इस रैली को कराया जाएगा 14 फरवरी से लेकर 21 फरवरी 2021 को। ध्यान रखिए 14 फरवरी से लेकर 24 फरवरी 2021 को अब इस रैली को कराया जाएगा। तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि सितंबर के महीने में जो भी रैली होने वाली थी इंडियन आर्मी की तरफ से वो पोस्टपोन होने वाली है। तो यहाँ पे आपको टाइम तो मिल ही गया है अपना तैयारी का, पर आप ध्यान रखिए कि ये अब और आगे बढ़ती जा रही है। तो पर आप अपना होप मत खोइए, आप अपनी तैयारी जारी रखिए क्योंकि इंडियन आर्मी अपनी पूरी रैलीज कंडक्ट जरूर करवाएगी। ऐसा नहीं है कि रैलीज को कैंसिल कर दिया जाएगा, रैलीज आगे जरूर होगी, भले ही पोस्टपोन डेट आगे हो जाए, पर आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, आप अपने रिटर्न एग्जाम का भी तैयारी करते रहिए। इसी के बीच आप सोचिए कि आपको अच्छा समय और मिल रहा है। अब यही तो खबर हमको आपको बतानी थी। अगर आप इसी तरीके की और खबर चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जैसे ही आपके राज्य की भर्ती जो भी पोस्टपोन होगी उसकी जो नई डेट आएगी वो हम आपको बता देंगे। इसके लिए आप जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए, तभी आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।